मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार पर लगे आरोपों के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह उन्हें मुसवा कहते हैं, दूसरी तरफ वे बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के लिए राजनांदगांव रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भाजपा के प्रभारी ओम माथुर के छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं वाले बयान पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि चुनौती उनके अंदर है कि वे कितने दिन तक प्रभारी रहते हैं। ये आज तक एक कोई विशेष सत्र 10 दिन का हुआ है क्या पूरे देश में? अब उनको मीडियम स्पेस चाहिए तो कुछ न कुछ बोलेंगे। और जहाँ तक के सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार सामने देखे, अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो, ये काम नहीं हुआ। हमने राशन कार्ड बनाया, वो आज तक चल रहा है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिली। इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है और क्वांटिफाइबल डाटा है, वो बहुत प्रमाणिक रहेगा। सारी जानकारी और तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे और जब विधानसभा में बात उठेगी तो सारी बात की जाएगी। सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि इनका असर है? और अभी चुनाव जब 1 साल बचे तो कैसा इस तरीके वो भारत जोड़ो यात्रा के इफेक्ट है कि जब सब लोग पूरे देश के लोगों को सांप्रदायिकता धर्मांतरण में ये लोग उलझा के रखे थे और पूरी संपत्ति देश का बेचा जा रहा था, ट्रेनें बंद हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, सारे कंपनियां बिक रही है, ऐसे समय में राहुल जी ने पद यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है, और दूसरा जो सभी धर्मों के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, इसको लेकर वो पद यात्रा कर रहे हैं। उसका इफेक्ट पड़ा है, कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 14 लाख पद खाली है और कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इससे ये ऊंट के मुंह में जीरा है। सर, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर में फिर से वृद्धि कर दी है महंगाई को घटाने के लिए, कितना हद तक सही मानते हैं, क्या इससे महंगाई कम हो पाएगी? यदि बैंकों का मतलब महंगाई इससे कैसे तय होगा, सवाल ये है कि महंगाई एक तो जो खुदरा है व्यापार है, दूसरा देश के अंदर जो दूसरे कारण से महंगाई है, तो सवाल इस बात का है कि उत्पादन लागत यदि बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। यदि आप डीजल में डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन में उसके लागत बढ़ेगी। दूसरा किसान है और ट्रैक्टर चला रहा है, जुताई कर रहा है, दवाई छिड़काव कर रहा है, तो उसके कारण से वृद्धि होगी। खाद में आप वृद्धि कर रहे हैं तो उसकी लागत में वृद्धि होगी, तो यदि लागत में यदि वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप पहली बात तो बेस लाइन जो है डीजल और रासायनिक खाद इसकी कीमत बढ़ा कर रखें, यदि इसको कम कर दें तो महंगाई कम होगी। सर, ये मात्र बहुत आसानी के साथ कल कह रहे कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती, क्या लगता है सर आपको, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि